जबकि नाश्ते का असली वजह है दोस्तों बिना ब्रश किए और बिना नहाए। है मम्मी नाश्ता धो के फ्रेश हो गए सुबह उठते ही खा देना चाहिए। मुझे तो सर दर्द हो रहा था बिना कुछ खाए। बिल्कुल फ्रेश हो गए। कैसे हो गए? फ्रेश। ये हुडी इसलिए पहनी क्योंकि हल्की फुल्की ठंड है बाहर, वो भी शाम को। मैं हूँ सीपी में क्योंकि गोलू यहीं मिलेगा। गोलू दिल्ली में, वो जा रहा है बनारस अपने फ्रेंड्स के पास कुछ शॉर्ट फिल्म के चक्कर में, तो गोलू से मिलते हैं। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यू आर वॉचिंग प्रियंका आर्य। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। आइए सीपी पे थोड़ी नज़र डालें। क्या बात है, हमेशा की तरह भीड़। हाँ, मैं गेट नंबर 6 पे खड़ा हूँ बाहर। शर्म ना आई तुम्हें? और भाई कैसा है तू? ऑल गुड। ढंग से शूट करेंगे, कैसा होता है ना वाला, जितना बेस्ट होता है उतना बेस्ट करके सुनूंगा। जिस हिसाब से वाइब डला रहे हो शूट करने की, चलो भाग भाग भाग। बनारस कब निकल रहे हो गोलू? कल निकल रहा हूँ। कल निकल रहे हो? सुबह निकल जाऊँगा। कल सुबह? कल सुबह। चलिए बढ़िया बढ़िया, आपकी जर्नी शुभ हो गोलू। ये आप क्या खा रहे हैं? मोमोस हैं जी। मोमोस वाला गर्म है, बहुत गर्म है यार। कचौड़ी का टेस्ट ना कभी डेवलप नहीं कर पाया। कचौड़ी का कितना खा लिया मैंने गोलू। यार यहाँ तुम खाने की बात करोगे या कचौड़ी वचौड़ी ये सब चीज़ें? ये बेचारा निकल जाएगा बनारस, फिर मैं कहाँ से मिलूंगा गोलू से? मैं तो बहुत दौड़ा चलाया। इसने बोलता सुबह सुबह मैं पहुँच जाऊँगा कोटद्वार, 9 बजे तक तू फ्री हो जाइयो। सीधा 4:30 बजे शाम को मैं इसको मिल गया। जय श्री राम। क्या बात हुआ? बड़ा मुश्किल है कि दिल्ली में कोई कोटद्वार वासी मिल जाए और आप ऐसे चिल करें कहीं बाहर आके। ट्रीट है ये अपने आप में, ये तो आई। ये रोज का है, रोज का है। मेरे ना तो आप 3 में हैं, 13 में। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है, कल देखते। छुट्टी तो लेते थे जज साहब, लेकिन राम का वजूद पूछते थे। राम के अस्तित्व का सवाल ये कॉन्सर्ट हमने कितनी बार देखा है ना, हमारे लिए कॉन्सर्ट यही है ना। अरे भाई हम लोग गोलू और मैं ना यही दिल्ली में, कभी यहाँ कभी कहीं, हम लोग ऑडिशंस भी देते थे दिल्ली में। अभी पीछे वो हरे कृष्णा हरे रामा, मतलब वो सारे के सारे डिवोटीज हैं। देखो भजन चल रहा है, क्या ही माहौल दिल्ली में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यहाँ पर। पर गोलू और मुझे पुराने दिन याद आए। हैं गोलू, आज से कितने साल पहले? लगभग यार 6-7-8 साल हो गए। 7-8 साल पहले गोलू और मैं ऑडिशन देते थे, क्राउड वराउड करते थे कभी कभार हम फिल्म्स में, मूवीज में। क्या थी वो? दंगल ना, वो सुल्तान, सुल्तान सलमान खान की मूवी थी सुल्तान, तो उसमें हम क्राउड करने गए थे। वहाँ गुड लुकिंग लोग चाहिए थे, गोलू साला अंदर हो गया था, मुझे सालों ने बाहर से ही निकाल दिया कि तू बता। अबे पार्टी का सीन था, मैंने तो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सकल में बांध दियो, तूने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए थे। असल में मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, मैं शर्ट पैंट पहन के चला गया। और उन्नू वहाँ चाहिए था पार्टी वाला सीन, सलमान खान का सॉन्ग नहीं है एक जग घूमिया, तो उसमें क्राउड चाहिए था जिसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हो, और मैं ऐसी टी शर्ट और शर्ट खोल के और वहाँ चला गया, बाहर हो गया। तो कितनी हंसी, मतलब ऐसी ऐसी कई सारे टाइम ऐसे गुजारे ना हमने, इतनी बकेती की। तेरे चक्कर में सूट छोड़ के आया था मैं। मैं अगले गेट से दूसरे बंदे को अंदर किया मैंने, और मैं पीछे पीछे से वापस आ गया था। कभी कभार गुरुद्वारे में खाना खाया था। मैं कहा शूटिंग में फ्री का खाना खाने वाला था, उसके बाद मैं गुरुद्वारे में खाना खा रहा था। भाई गोलू, यार गोलू फ्री में अंदर शूटिंग में अंदर हो गया था, खाना वाना आराम से वहाँ खाता महंगा वाला, बेचारा मेरे चक्कर में दूसरी जगह से बाहर आया और फिर हमने गुरुद्वारे में खाना खाया। क्या दिन था यार। तरह तरह के अतरंगी लोग मिलते हैं भाई दिल्ली में, भाई बहुत तगड़े तगड़े। एक बंदा आया गोलू को, कह रहा है भैया एप्पल वॉच दे दूं, चोरी की है। तो गोलू कह रहा मैं पुलिस वाला हूँ। हमने बहुत ही ज्यादा टाइम बिताया है सीपी में, स्पेशली पता नहीं क्यों, यहाँ ये हमारा सुकून वाला एरिया था। सीपी में पहुंचो और लेटो आराम से, पार्क में बैठो, इधर उधर बैठो, मंडी हाउस वगैरह। जब मेट्रो जवानी जवानी के दिन कहेंगे उनको गोलू। बिल्कुल ही वो छर हरे लौंडे जो होते ना, सूखे सूखे से और लो वेस्ट जींस पहन के। हमसे स्मार्ट तो कोई है ही नहीं दुनिया में। आज भी मंडी हाउस बोलता है ना मेट्रो स्टेशन,
गूज़बम्स आ जाते हैं मेरे। हाँ यार मतलब मंडी हाउस वो देख रहे हो, ये मैं हमेशा से तुम्हें बताता हूँ मंडी हाउस एक फील है हमारे लिए। रणवीर कपूर को दिखाओ यार, दिखा दे भाई, ये तो बढ़िया प्रिंट है। चोर साले, आज मैं देखने वाला हूँ फ्री फंड में, एनिमल देख लूंगा घर पे जाके। अच्छा खासा क्लीन व्यू है भाई। अबे ये तो कल रिलीज हुई है, इसके पास एनिमल पड़ी है, बताओ ये पायरेसी पे है इसकी ना। चलो गोलू, बनारस के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये निकल रहा है बेचारा बनारस की ओर, मैं जाऊंगा घर। ठीक है गोलू, फिर मुलाकात होती हैप्पी जर्नी। बढ़िया लगा तुमको दिल्ली में मुझसे मिलके, बाय गाइस। एनिमल देखेगी तू? एनिमल आई थिंक वी नीड टू स्किप इट। वैसे भी 3.5 घंटे की है, टाइम वेस्ट ही होना है। मैं तो टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एफर्ट्स वेस्ट, मेनी थिंग्स। गंदी मूवीज देखेंगे, उससे अच्छा हम नेटफ्लिक्स करवा लेंगे 3-4 महीने। हाँ। और अच्छे वेब सीरीज देखेंगे। सुन मैं लेके आया हूँ एनिमल फोन में। ठीक है देख लेंगे। अच्छा अभी तो कह रही थी टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। वैसे भी कल संडे है, तो कल हमारा रेस्टिंग डे है। अगर हमें बीच में खराब लगी तो हम बेटर कॉल सॉल शुरू करने वाले हैं। जॉगिंग। हाँ मैं क्या कहना हाँ। कि कल सुबह से मैं ये बताने वाला था कि कल हम एडवांस करने वाले हैं थोड़ा सा। we'll start परसों से। परसों की? परसों मंडे है। तो भाई कल का रेस्ट तो दे दे, कल संडे है। भाई कल नहीं जाना, कल तो मैं। अबे इन्होंने इसको तो अभी 2 दिन शुरू हुए हैं, ये अभी से कह रहा है संडे की गैप ले रहा है भाई। शर्म आनी चाहिए, शर्म ना 2 हफ्ते। हाँ तो हम जा रहे हैं कल, करना क्या है, संडे है, घर पे आके सोइए। मेरे को मत बताना भाई मुझे। ये तो तू बहुत गलत बहाना मार रहा सागर। अगले संडे को तो दे ही दूंगा मैं गैप तेरे को, तू इस संडे को मत लेना। सागर ये मतलब तू है ही यार। कल सो जाओ यार, कहाँ जाओगे कल? ठीक है डिसाइड कर ले, सुबह पता चल जाएगा। वो सुबह को सो रहा है, आंख मार रहा है, ये नहीं जाने वाला। चलो अगर कल मेरी नींद खुल गई ना। अरे रे अरे, अगर मेरी नींद क्या, अगर मेरी नींद खुल गई कल तो मैं चल लूंगा। अच्छा फिर कभी रह जाएगा। ऐसी बातें करते जैसे वो वही अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक अगर खुल गई तो मैं सोचूंगा। स्वागत है आज का, यही है नहीं सॉरी, सर दर्द भी हो रहा है क्योंकि आज ज्यादा सो गए, मतलब यूजुअल टाइम से कुछ ज्यादा ही सो गए, और दिन उठ जाते 5 बजे, आज 7:30 ऐसे हो गया। तो अभी मैं बना रही हूँ डोसा, मम्मी जा रही है अपना चेकअप करवाने, रूटीन चेकअप, मैं बना रही हूँ वही वाला जालीदार डोसा। तो ये मेरी डोसे की तैयारी, ये है उसका बैटर, एंड ये हमारी मेरी सिग्नेचर चटनी है ये मूंगफली की। ये इतना टेस्टी होता है कि सांभर की ज़रूरत ही नहीं होती, वो कुछ एक्स्ट्रा ही लगता है फिर। तो सांभर अब से मैं इडली के साथ ही बनाऊंगी बस। पहले मैं बनाऊंगी कानू जी के लिए विदाउट अनियन वाला। अभी सिर्फ मैंने चटनी रखी है इनकी, ये मैंने तुलसी के पत्ते सुखा के रखे हैं क्योंकि वो हमारा जो तुलसी का पेड़ है वो पूजा वाला है, एक्स्ट्रा तुलसी है नहीं हमारे पास, उससे शायद तोड़ते नहीं है पत्ते, तो मैंने अब वो बंद ही कर दिया। तो फिर मैं ये मम्मी ने दिए थे कोटद्वार से सुखा के तुलसी के पत्ते, ताकि ज़्यादा टाइम तक चल जाए और ख़राब ना हो। एंड नाउ इट्स डोसा रेडी। सबसे पहला डोसा जाएगा कनूड़ी को, ऑन कर देंगे। छोटा सा बना रही हूँ, मैं ऑयल नहीं यूज़ कर रही, मैं घी यूज़ कर रही हूँ कानू के लिए क्या अपने लिए भी घी ही यूज़ करेंगे। अब इसको हम करेंगे फ्लिप। छोटा सा डोसा, ये कानू जी का डोसा, ये सुबह का नाश्ता। लो मम्मी ये बांट लो तुम लोग। हाँ तो क्या कह रहे थे आप, नहाने का जो क्रम है वो स्लो आता है थोड़ा सा,
और देर से नहा सकते थे, पर ये सुबह सुबह जो है ये मोहतरमा यूं हाथ पकड़ दी आज, फिर चल नहा ले। जबकि नाश्ते का असली वजह है दोस्तों बिना ब्रश किए और बिना नहाए। है मम्मी नाश्ता ना धो के फ्रेश हो के नहाना चाहिए। हाँ। पूजा पाठ करना चाहिए और तब आराम से खाना चाहिए नाश्ता, तब तो लगता है कि हाँ सही कह रही है बिल्कुल। पर बिना ब्रश के जो नाश्ते का टेस्ट आता है वो तो है, ये तो मैं ये भी मैं मानता हूँ। सुबह उठते ही खा देना चाहिए, मुझे तो सर दर्द हो रहा था बिना कुछ खाए। बिल्कुल फ्रेश हो गए। कैसे हो गए? फ्रेश। हल्की सी एनिमल देखी हमने फर्स्ट हाफ, जो बोल रहे हैं लोग की अच्छी है वो भी अच्छी नहीं लगी हमको, हमने देख ली थोड़ी सी। पहले पहले टिकट महंगी रहती है, धीरे धीरे कम होता रहती है, भीड़ भी रहती है, अब बाद में जाना चाहिए ना जब 300 से 150 हो जाए। हेलो में कम हो जाएंगे। अब खाते हैं डोसा। हाँ। मोटा। ये मूंगफली की चटनी मेरी फेवरेट तो है, मैं तो डुबा डुबा के खाता हूँ, बहुत टेस्टी हो रहा है। चलिए भैया मैं अब ये व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, चैनल को क्रिएटर को सपोर्ट कर लो यार, ज्वाइन का बटन दबा लो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए क्योंकि यार रोज व्लॉग आ रहे हैं। भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा काम है आज।